यहाँ पुल होना जरूरी है। एक बार इसका अथी भी हुआ था तो 25 लाख रुपया आया था जिसमें मुखिया जी नहीं बनाए, वो रिटर्न हो गया। अब तक कोई देख रेख नहीं होता है, जब से हमारा आज 60 वर्ष हम रिटायर हो गए हैं, 62 साल हमारा हो गया, अभी तक कोई देख रेख सरकारी यहाँ नहीं हो रहा है। सब आश्वासन देते हैं हम ये बना देंगे वो बना देंगे, वोट लेके चला जाता है और कोई यहाँ नहीं आते हैं देखने के लिए। ये समस्या भवन निसाड़ा का है जो दो पंचायत राटन और बखड़ी पूर्वी तथा दो जिला बेगूसराय और खगड़िया को जोड़ते हैं। प्रतिदिन 50,000 लोग आते जाते हैं। ग्रामीणों ने चंदा करके बांस के कच्चे पुल का निर्माण किया। बरसात के मौसम में नदी में पानी ओवरफ्लो हो जाने से लोगों को रेलवे पुल होकर आना जाना पड़ता है, जिससे कई बार लोग रेल के चपेट में आने से कट भी जाते हैं। आदमी को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए बहुत समस्या है, लोग रास्ते में रह जाते हैं, मर जाते हैं। काहे नदी में पुल जो है अभी तक नहीं बना है। हम लोग किसी तरह बांस उस का बनाते हैं, भा जाता है, बांस से बनाते हैं भा जाता है। और ट्रेन से यदि दूसरा उपाय है बकरी ले जाने के लिए रेलवे लाइन से, तो रेलवे लाइन में बड़ी लाइन हो गई है, हर 10 मिनट में एक बनी जाती है उसमें, और हर यदि गाड़ी चलती तीसरा दिन में एक छोटा गाड़ी पकड़ जाता है। मृत्यु जब हो जाता है तो काफ़ी दुखी होती है। इस लेकर के समस्या से हम लोग ग्रामीण के सहयोग से हम समस्या रखे थे, आवेदन भी दिए थे, उन्होंने भी इसका आश्वासन दिए थे। आश्वासन देने के बाद एक बार पुल के लिए घोषणा भी किए और अपने असेंबली की जाकर के विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन भी रखे थे और शायद पास भी हो चुका है, लेकिन जब उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कि जब टेंडर होगा तो यहाँ पुल बनेगा। यही समस्या है अभी हमारे बीच में, और फिर हम पुनः चाहते हैं कि ग्रामीण के सहयोग से और अभी अपने मुखिया होने के नाते तो फिर समस्या लेकर के विधायक के पास, सांसद के पास या हो तो सरकार को भी हम कहना पड़ेगा तो कहेंगे। मैं चाहती हूँ कि भवन और निसाड़ा के बीच पुल का निर्माण होनी चाहिए, जिससे 50,000 लोगों को विकास का मार्ग खोल सकता है। वीडियो देखने वाले से अपील गुजारिश करती हूँ कि इस प्रखंड के विधायक श्री रामानंद राम जी का मोबाइल नंबर 0943-19-93-0 पर कॉल करके पुल बनाने का दबाव डालकर मेरा सहयोग करें। मैं इंदु, जिला बेगूसराय से, इंडिया अनहट के लिए।